शिव जी के गले में जो सांप है आखिर क्यों है, ये सोचने वाली बात है। अभी कांवड़ आएंगी 2-3 महीने बाद और यहाँ से लाइन लगेगी कांवड़ लाने वालों की और महिलाएं गीत गाती ऐसे चलेंगी जैसे अपने बेटे पतियों को बॉर्डर पे भेज रही है। अभी जो भारत में लड़ाई जीती जाएगी वो उन्हें जीत कर लाएंगे और आपके लिए मेडल लेकर आएंगे, ऐसे ही गाती हो ना गीत। और गीत भी बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, उसका तिलक कराती हैं और तिलक कराने के लिए बहन को बुलाती हैं। क्यों पत्नी से क्यों नहीं कराती भाई? अगर किसी का पति कांवड़ लेने के लिए जा रहा है तो पत्नी ज्यादा सपोर्टर होती है या बहन, बोलो जवाब दो ना। पत्नी ज्यादा सपोर्टर होती है बहन? पत्नी तो जब युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है तो फिर पत्नी को ही तिलक लगाना चाहिए, यानी विजय का आशीर्वाद अपने पति को पत्नी को ही देना चाहिए। लेकिन बहनों को कहते हैं आजा नारियल लेके, आजा नारियल फोड़ेंगे, तेरा भाई कावड़ लेने के लिए जा रहा। बहन भी आ जाती है, अरे 50 रुपए का नारियल 500 मिलेंगे। नारियल तो 50 का ही आता है लेकिन मुझे 500 मिलेंगे। और वो बड़े शौक से अपने भाई का टीका करती है, लेकिन वो टीका नहीं कर रही है, वो अपने भाई को बिगड़ने के लिए भेज रही है, आवारा पड़ने के लिए भेज रही है। तो जितनी भी यहाँ लड़कियां बैठी हैं, वो कोई भी अपने भाई का तिलक ना करे, जान लो। और ये जो नारियल फोड़े जाते थे ये हमारे बच्चों की गर्दनें काटकर मंदिर में चढ़ाई जाती थी, आज उन्होंने नारियल का रूप ले लिया है। अगर हम अपने इतिहास में जाते हैं तो जो भी हमारे समाज के सुंदर बच्चे होते थे उनकी बलि दी जाती थी, उनकी नार काट के इन देवी देवताओं के नाम पे चढ़ाया जाता था। इसलिए नारियल के अंदर जो जो छेद बने हैं वो आंखों का प्रतीक है और जो पानी उसके अंदर है वो खून का प्रतीक है। तो जो देवता खून से राजी होते हैं तो क्या वो देवता हो सकते हैं? तो फिर क्यों अपने देवताओं को घरों में बिठाए हो? जब तो जब राखी रावण या नरेंद्र जी या सहरा जी ये पूछते हैं कि हमारे घरों में ऐसे देवता होने चाहिए तो बड़ी जल्दी ये कहते ना जी, लेकिन अभी घर घर में जाकर देखो हाँ जी। अभी गणेश इस घर में भी बैठा जिस घर में हम रुके हुए थे, कब निकल गया? ना निकला। मैं तो मन से बोलू किसी को बुरा लगे लगे, कोई भी मेरे लिए बाबा साहेब से बढ़कर नहीं है कोई भी, क्योंकि जिस बात को करने के लिए बाबा साहेब ने मना किया हम उसी बात को कर रहे हैं। और मैं कांवड़ की बात कर रही थी तो जरा आओ शिव जी का विश्लेषण कर ले। जिस शिव जी की तुम कांवड़ लाते हो तो आओ उसके गुणों की चर्चा कर ले। जब शिव जी को हम ऊपर से देखते हैं तो शिव जी जटाधारी है, शिव जी की जटा से गंगा निकल रही है। और नेट पर सर्च करके देखना कि शिव जी को मक्का मदीने में कैद किया गया है भाई, इधर से भी किसी को पता है मक्का मदीने में शिव जी कैद है? हाँ जी। अब ये कहते हैं हिंदू लोग, कोई हिंदू का लाल वहां जाए गंगा जल का छींटा उस पे मारे तो शिव जी आजाद हो जाए। अरे अकल के अंधो, पूरी गंगा का मालिक शिव जी, उसकी जगह से गंगा बह रही है फिर भी 2-4 छींटे पड़ने की जरूरत पड़ रही है। तो बात है ना मक्का मदीना को अगर ताकत है तो वाह, क्यों कैद होके बैठा है? और शिव जी के गले पे आते हैं तो बेचारे के गले में सांप फट खाए पड़ा है, पड़ा है। शिव जी के गले में जो सांप है आखिर क्यों है, ये सोचने वाली बात है। आम आदमी के गले में सांप नहीं होता लेकिन सपेरे अपने गले में सांप डाल लेते हैं, डालते हैं या नहीं? हकीकत है, हम तो नहीं डालते, हम तो दूर से भग जाएंगे। जो सपेरे होंगे उनके गले में सांप डला हुआ मिलेगा, या जो नशा ज्यादा करते हैं लोग उनके गले में सांप मिलेगा। यानी कि जिसे भांग धतूरा अफीम का भी नशा ना होता हो तो फिर वो सांप और बिच्छू का नशा लेता है। अब शिव जी इतना नशा करता था, अब सोचते होंगे बेचारे शिव जी जी कि मैं रोज रोज भांग कहां से लाऊं, मलनी पड़ती है, धतूरा पैसे से आता है, अफीम भी पैसे से आती है, इसलिए मैं जंगल से एक सांप पकड़ता हूं और अपने गले में ही डाल लेता हूं। जब
जब भी नशे की जरूरत पड़ी ऐसा क्यों? हकीकत है भाइयों, क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा है, इसलिए शिव जी का गला जहर से नीला है, इसलिए उसे नीलकंठ भी कहते हैं। और शिव जी के हाथ में डमरू आ जाता है भाई, ये त्रिशूल और डमरू किसके हाथ में होते हैं? मंदारी के होते हैं या नहीं? तो शिव जी क्या हुआ भाई, जब वो नशे में चलता होगा तो बेचारे के पैर इधर 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 पड़ते होंगे, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि नशे में आदमी सीधा सीधा तो चलेगा नहीं। आपने दारू पीते हुए आदमी को देखा है तो वह ऐसे कभी ऐसे चलेगा, कभी ऐसे चलेगा या नहीं? तो इसलिए शिव जी ने बेचारे ने त्रिशूल लिया अपनी सपोर्ट के लिए। लाठी की सपोर्ट लेता तो हो सकता था कि सामने वाला कोई उसे रोकने की कोशिश करता तो लाठी से उस पर ज्यादा वार ना होता, लेकिन त्रिशूल से करें तो त्रिशूल सीधा उसके अंदर जाएगा पेट के, है या नहीं है? तो इसलिए शिव जी ने त्रिशूल लिया, कर लगाओ, क्योंकि लाठी इतनी मजबूत नहीं जितना त्रिशूल है। तो इसलिए त्रिशूल शिव जी ने लिया, और जब शिव जी नशा करता था तो बेचारे को अपने घर की भी शुद्ध कह गई, सालों तक नहीं रहती थी। अब शिव पुराण के अंदर और विष्णु पुराण के अंदर एक कहानी लिखी हुई है कि एक दिन पार्वती को नहाने की सूझी, भाई नहाने के लिए भी सूझती है उन्हें, देखना भाई आपके देवी देवता कैसे हैं। एक दिन शिव जी की पत्नी पार्वती को नहाने की अकल आई कि बहुत दिन हो गए मैं नहाई नहीं हूं, चलो आज नहा लेती हूँ। अब उसने सोचा कि शिव जी ने तो बाथरूम भी नहीं बनवाया, अब मैं कहाँ नहाऊं, और अगर ऐसे खुले में नहाऊंगी, क्योंकि वो जहां से पानी गिरता था उसके नीचे नहाती थी पहाड़ों से, कि अगर कोई आ गया तो भाई बेइज्जती हो जाएगी, महिलाएं बिना वस्त्रों के नहाती हैं, तो कुछ ना कुछ तो सपोर्ट चाहिए किसी ना किसी को रोकने के लिए। अब उसके ऊपर शरीर के ऊपर जो मैल, पता नहीं मन था या तन था, उसने ऐसे करा और इतना बड़ा गणेश पैदा कर दिया 12-13 साल का, क्योंकि अगर 1 साल का होता तो वो तो मम्मी मम्मी कह के पीछे भगता, नहाने नहीं देता, इसलिए उसने इतना बड़ा बच्चा पैदा कर दिया जो किसी को रोक सके। यानी कि 12-13 साल तो रही होगी, कम से कम उम्र रही होगी या नहीं भाई, जवाब दो, बोलने का फायदा तो जब ही है, हाँ ना तो बोलो भाई, गूंगे भैरों की औलाद ना हो तुम, शेर की औलाद हो, और जो हम बोल रहे हैं ना सच ही बोल रहे हैं, हमें ना लगता डर किसी से भी, क्योंकि लिखा है कि धर्म ग्रंथों में। अच्छा आगे चलते हैं, तो फिर क्या है, शिव जी बहुत समय के बाद पार्वती गणेश को पैदा करके महल से और गेट पर पहरा देने के लिए छोड़ देती हैं। अब उधर से शिव जी को भी सुध आती है कि बहुत दिन हो गए पार्वती से मिले, चलो आज हम कैलाश पर्वत पर चलते हैं। अब क्या हुआ, जब शिव जी कहीं से घूम घाम के वहां आते हैं जहां पार्वती नहा रही होती है, तो गणेश शिव जी को रोकता है। अब जब गेट पर शिव जी को रोकता है तो शिव जी को गुस्सा आ जाता है कि अरे मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहा है। अब बेटा गणेश कहता है कि मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा, तू है भंगेड़ी कौन, क्योंकि नशे में था। अब शिव जी को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अरे तू मुझे अंदर नहीं जाने देता, अंदर मेरी पत्नी पार्वती है। और गणेश कहता है कि मैं शिव जी तुझे नहीं जानता, अंदर तो मेरी माँ पार्वती है। सोचना कि जिस बेटे को अपने बाप का पता नहीं और जिस बाप को अपने बेटे का पता नहीं, तो वो औलाद कैसी होगी, कैसी होगी बोलो, क्या मैल से बच्चे पैदा होते हैं? अगर मैल से बच्चे पैदा होते तो ये महिलाएं बेचारी 9-9 महीने तक जब ये गर्भवती होती हैं तो इतना कष्ट सहन करती हैं, और जब बच्चा होता है तो कोई कोई महिला तो बेचारी मर ही जाती है, पुनर्जन्म होता है महिला का। अगर ये बच्चे महल से पैदा होते तो ये जो महिलाएं हैं आम महिलाएं, ये भी अपने शरीर को कष्ट ना देती,
और ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हैं इन्हें भी खोलने की जरूरत ना पड़ती। महिलाएं बेचारी सोचती चल चार दिन हम भी नहीं नहाते, बेटा हम भी ऐसे ही महल से पैदा कर देते। क्यों होता है नहीं? और कई कई महीने उन्हें आराम भी करने की जरूरत ना पड़ती। जब बच्चे डबल ऑपरेशन से होते हैं तो 3 महीने का तो बेड रेस्ट बताते हैं नहीं? एक तरफ तो बड़े आसान महल से हो रहे हैं तुम्हारे देवी देवताओं के अनुसार, तो आगे भी है कहानी, अभी बंद नहीं हुई है। अब शिव जी को गुस्सा आ गया और शिव जी ने गणेश की गर्दन धड़ाक से उड़ा दी उधर से, और ये युद्ध 10,000 सालों तक चला। ध्यान से सुनना, 10,000 सालों तक गणेश और शिव जी का युद्ध चलता रहा और 10,000 साल तक पार्वती नहाती रही, बाहर नहीं आई। भाई 10,000 साल कितने समय में होंगे, सोचने वाली बात है। अब जब पार्वती बाहर आती है तो अपने बच्चे की गर्दन कटी हुई देखकर आप बबूला हो जाती है और ये कहती है कि अरे शिव जी, अरे नशेड़ी, तैने ये क्या कर दिया, तैने मेरे बेटे की गर्दन ही उड़ा दी। अब शिव जी थोड़ा शांत होता है क्योंकि गुस्सा तो जब था ना जब वो गणेश लड़ रहा था, इसलिए शिव जी पार्वती से कहता है कि पार्वती मुझे तो पता ही नहीं चला कि तू मुझसे बाद में बच्चे भी पैदा कर देती है। जान लो, शिव जी कहता है कि पार्वती मुझे नहीं पता था कि तू मेरे बाद मेरा बेटा भी पैदा कर देगी, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए वरना पन्याड़ी में तुझे भांग घोट के ना दूंगी। क्योंकि भांग ही तो पीता था ना वो, अभी बताया ना भांग दतूरा, जितनी भी नशे की चीजें थी सारी लिया करता था। और तुम महिलाएं गीत भी गाती हो कि गोरा जी ने बो दई हरी हरी मेहंदी और भोले जी ने बो दई भांग, अब बुंदिया पढ़ने लगी, गाती हो ना? हाँ, सब पता मुझे जो तुम गाओ। अब क्या हुआ, शिव जी को लगा कि ये मुझे घर में नहीं घुसने देगी, तो शिव जी को कहना आया कि पार्वती तू 2 मिनट रुक, 5 मिनट रुक जा, मैं तेरे बेटे गणेश को अभी जिंदा कर दूंगा, तू थोड़ी सी देर इंतजार कर। और कहते हैं कि वो जंगल की तरफ गया और जंगल में एक हथनी अपने बच्चे से मुंह फेर कर सो रही थी, पीठ फेर के सो रही थी, और शिव जी जंगल में जाकर हथनी के बच्चे की गर्दन काटता है त्रिशूल से और उस गर्दन को हेलमेट की तरह से लेकर टक 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 करता वहां आ जाता है। जानना भाई, इतनी बड़ी गर्दन हाथी के बच्चे की और गणेश की गर्दन इतनी छोटी थी, क्योंकि देखो ये 12, 13, 14 साल के बच्चे बच्चियां बैठे थे, मैं इनकी गर्दन का नाप लेना, भाई नाप लो, और हाथी के बच्चे की गर्दन का नाप लेना कितनी है भाई, हाथी के बच्चे की गर्दन और इन बच्चों की कितनी है। अब शिव जी इतना बड़ा डॉक्टर लिखड़ा कि ना तो उसे होम्योपैथिक दवा की जरूरत पड़ी, ना एलोपैथिक की और ना आयुर्वेदिक की और ना किसी औजार की, अब इतनी बड़ी हाथी के बच्चे की गर्दन इतनी सी छोटे बच्चे की गर्दन पे ढक्कन की तरह से फिट कर दिया 1 मिनट में। अब ढक्कन फिट जाते ही गणेश तो हंसा हंसा और एकदम बैठ गया, और हो सकता फिर पिताजी कहा हो। अब मैं ये बात इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि बाबा साहब की बहुत सारी बात आपने सुन ली है, तो थोड़ी सी बात देवी देवताओं की भी हो जाए। क्यों भाई हो? क्योंकि बाबा साहब की तो बहुत सारी सुनी है ना, तो कम से कम भाई मैं वो टॉपिक लेती हूँ जो टॉपिक रह जाता है। अगर कोई दूसरा वक्ता देवी देवताओं की बात लेता है तो मैं नहीं लेती, लेकिन अगर कोई दूसरे वक्ता बाबा साहब की बात ज्यादा लेते हैं तो मैं देवी देवताओं की बात करती हूँ, क्योंकि आनी बहुत जरूरी है सामने। अब क्या हुआ, गणेश जी अब मुझे इस बात का भी जवाब चाहिए कि भाई हाथी की गर्दन, जिस बच्चे की सूंड फिट हो गया उसकी गर्दन पर, तो वो उस मुंह से पापा कहेगा? भाई बोलो, पिताजी बोलेगा क्या? अब वो तो जैसे शेर, जैसे हाथी चिल्लाते हैं ऐसे ही चिल्लाएगा, तो जब वो चिल्लाता होगा तो पार्वती गोया शिव जी को समझ में आ जाती होगी उसकी भाषा।
बात है, लेकिन ये देखो कि शिवजी जब इतना बड़ा डॉक्टर था तो उसने जंगल में जाने की उसे क्या जरूरत पड़ी थी। अरे वो उसी की गर्दन तो वहां कटी हुई पड़ी थी, उसे ही पीट कर देगा। कम से कम वो आधा जानवर और आधा इंसान तो ना बनता, वो पूरा का पूरा इंसान रह जाता, होता है नहीं। लेकिन शिव जी ने तो उसे ना इंसान छोड़ा और ना छोड़ा जानवर, शिव जी ने तो अपने बेटे को कर दिया गोबर गणेश। बोलो गोबर गणेश, किया या नहीं किया? और हमारे घरों के अंदर जी आज गणेश की पूजा है, शादी का कार्ड छपेगा ओम नमः शिवाय गणेशाय नमः। भाई किसे सिर झुका रहे हो? गोबर गणेश को, जिसमें दिमाग जानवर का है, यानी कि तुम भी जानवर और तुम्हारा देवता भी जानवर, इसलिए सुधर जाओ। ये मैं सोचना मैं कहानी सुनाकर ऐसे ही छोड़ देती हूँ, हंसाती हूँ तो डांट भी बहुत खिलाती हूँ। आप बोलो जब तुम्हारे बच्चे भांग की पीकर आएंगे, क्योंकि जो शिव जी का प्रसाद है जब कावड़ लेने के लिए जाते हैं तो उसमें ठंडाई में भांग पिलाई जाती है, जगह जगह फ्री में पिलाई जाती है, और तुम्हारे बच्चे भंगेड़ी बनकर आते हैं और जब घर के अंदर आते हैं, घर में पैसा नहीं मिलता है तो वो बाहर चोरी करने के लिए लगते हैं, वो नशे के आदि बन गए होते हैं, और फिर तुम जब वो पूरे चोर और आवारा बन जाते हैं तो तुम अपना सर पीटती हो कि हे नालायक तू होते ही क्यों नहीं मर गया, कहती हो या ना ऐसी। लेकिन जब तुम उसे नशे के लिए भेज रही थी, जब तुम शिव जी की पूजा कर रही थी, तब तो तुम्हें याद नहीं आया कि तुम्हारा बच्चा क्या बनेगा या तुम्हारा पति क्या बनेगा, तब तुम कहां सोई हुई थी। इसलिए जाओ अपने घरों के अंदर भगवान बुद्ध बाबा साहेब सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले को लेकर आओ। ज्योतिबा फुले जी का नाम सुना है यहाँ किसी ने? और कहो तो मैं तो बहुत सारे देवी देवताओं की धज्जी तार दूं, लेकिन बेचारे गाने वाले भी बैठे हैं और अभी मुझे माइक में इतनी जल्दी ना छोड़ती हूँ, इसलिए मेरा सबसे बाद में नंबर लगाया। ये तो काफी है, काफी होता है। अभी बाबा साहेब की एक दो बात मैं जरूर आपके सामने, वक्ता अभी बहुत है भाई, पूरी रात बैठे रहना, क्योंकि जब तुम जागरण कराते हो देवी माँ के, और वो जो ब्राह्मण मंच के ऊपर होते हैं ना, वो पंडित वंडित ना है, वो ब्राह्मण है, इसलिए उन्हें पंडित जी कहना बंद करो। क्यों बंद करो मैं बताती हूँ। पंडित कहते हैं ज्ञानवान आदमी को, और इन ब्राह्मणों ने जब मनुस्मृति यहाँ चलती थी तो कहा कि हमें ज्ञानवान है, हमें पंडित जी हैं, लेकिन बाबा साहेब इस भारत के पंडित हैं, और दूर के जो देश हैं उन्होंने भी कहा कि अगर भारत में कोई पंडित है तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, बाकी कोई नहीं है। तो इसलिए इन्हें पंडित जी मत कहो, इन्हें ब्राह्मण कहो। जब वो मंच पर बैठे हुए होते हैं और जागरण में से लोग देखते हैं कि जाने वाले होते हैं, तो वो तुम्हें कैसे बांध के रखते हैं कि भाई अगर किसी ने सुबह की आरती का प्रसाद ना लिया तो ये तुम्हारा जागरण लगेगा नहीं, जाना। पूरी रात तुम्हें जगाने का, तुम्हें मूर्ख बनाने का ठेका कैसे उन्होंने उठाया है, क्योंकि जब मूर्ख बनने वालों की लाइन लंबी हो तो बनाने वाले तो बनाएंगे ही, बनाएंगे या नहीं। अगर हम सुबह तक ना बैठे तो वो जागरण हमें लगेगा नहीं, हमारा पति मर जाएगा दिन निकलते ही, हमारा बेटा मर जाएगा अगर हमने वो सुबह का हलवा नहीं खाया तो। लेकिन वो ब्राह्मण इतना चालाक कि अगर ये लोग चले गए तो जो तू एक एक मिनट में यहाँ गाना सुना रहा है और उन लड़कियों से डांस करा रहा है तो पैसे कौन देगा, पैसे कौन देगा, पैसे क्या है, कुर्सियां देगी खाली। इसलिए वो तुम्हें पूरी रात घेर कर रखा है। अरे जब तुम जागरण में बैठ सकते हो तो क्या तुम बाबा साहेब के प्रोग्राम को सुनने के लिए नहीं बैठ सकते? बैठे रहना, मेरे बाद बहुत वक्ता है, अभी बताया है, क्योंकि अभी हमारे भाई नरेंद्र जी भी बैठे हुए हैं, उन्हें भी गीत गाने हैं, उन्हें अपना घर भी चलाना। तो इसलिए
मैं बात बता रही थी महिलाओं पे कि बाबा साहेब ने महिलाओं को क्या अधिकार दिए। महिलाएं बहुत सारी बैठी हैं तो जरा सुनिए, बाबा साहेब से पहले महिलाओं को कुछ भी अधिकार नहीं था, पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। तो जब पढ़ने का ही अधिकार नहीं था तो नौकरी करने का भी अधिकार नहीं था। सोचने वाली बात है या नहीं है? और अगर तुम नौकरी नहीं करती हो, पढ़ती नहीं हो, तो फिर तुम अनपढ़ गंवार रहती हो या नहीं? और जो महिलाएं अनपढ़ होती हैं, क्या उनके अंदर इतनी योग्यता पाई जाती है कि वो बाहर जाकर किसी पढ़े लिखे पुरुष से ठीक से बात कर लें, कोई फार्म भर सके, या कोई अपना रोजगार कर सके, या उनके घर में आकर कोई उन्हें मूर्ख बनाए तो वो तर्क वितर्क कर सके? बोलो, ये मैं आपको समझा कर जा रही हूँ छोटी छोटी बातें। इसलिए सबसे पहले कमांड इन महिलाओं पर किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जब आर्य आए थे तो वो वहां से अपनी महिलाओं को नहीं लाए थे, और यहाँ की महिलाओं के साथ उन्होंने संबंध बनाए, शादियां की, और फिर उन्हें अपनी दासी के रूप में बनाया। और इसलिए हिंदू धर्म में लिखा गया है कि महिला पैर की छूती है। पति की संपत्ति में तुम्हें कोई हक नहीं, पिता की संपत्ति में तुम्हें कोई हक नहीं, पढ़ने का अधिकार तुम्हें कोई नहीं, मेलों में तुम्हें बेचा जाता था, तुम्हारी इज्जत को गांव में जब तुम निकलती थी तो ब्राह्मण बनिया राजपूत कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़कर खींच ले तो कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला उन्हें नहीं था। उनका जब मन करता था वो तब तक तुम्हें अपने घर में रखते थे, और जब उनका मन करता था वो घर से बाहर निकाल देते थे। यानी के महिलाओं को केवल उपभोग की वस्तु समझा गया, बाकी कुछ नहीं समझा गया। महिला को बिल्कुल बेबस और लाचार बना दिया इस हिंदू धर्म ने। लेकिन बाबा साहेब ने भारत का संविधान बनाकर महिलाएं जो बेबस और बेलाचार थी, आज वो क्या बन गई हैं? कोई बेटी जवाब दे सकती है इसका? आज महिलाएं क्या हैं? जो हिंदू धर्म में बेबस लाचार थी, आज भारत का संविधान बाबा साहेब ने हमें बनाकर जो अधिकार दिए हैं, आज हम क्या बन गए हैं? बोलो, आज क्या हम बेबस और बेलाचार हैं? नहीं है। जब हम बेबस और लाचार नहीं हैं और पति के ऊपर राज करती हैं, तो फिर हम सर के ताज हुए। पैर की जूती से बाबा साहेब ने हमें सर का ताज बना दिया है, और सारे अधिकार यानी के पुरुषों से भी बढ़कर अधिकार महिलाओं को दे दिए हैं। अगर आज किसी महिला पर जुल्म होता है तो वो सीधे संविधान का दरवाजा खटखटाती है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब तुम पे जुल्म होते हैं तो देवी देवताओं का द्वार खटखटाओ, वही तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। बाबा साहेब के पास क्यों जाती हो बाबा साहेब के पास? जब बाबा साहेब की बात तुम नहीं मानती तो फिर बाबा साहेब के पास क्यों जाती हो? अरे तुम्हें पता नहीं कि बाबा साहेब ने किन किन परिस्थितियों में हमें ये अधिकार दिलाए? बाबा साहेब ने 55 से लेकर 65 साल तक जो संघर्ष किया, वो संघर्ष कोई कर नहीं सकता। बाबा साहेब ने जो हमें अधिकार दिलाए, वो अधिकार कोई दिला नहीं सकता। आज जो तुम्हारे पास दौलत है, वो बाबा साहेब की बदौलत है या नहीं है? आज जो तुम्हारी जेब के अंदर ये पेन है, वो बाबा साहेब की देन है। अगर बाबा साहेब हमारे हाथों में हमें पढ़ने का अधिकार नहीं देते, तो क्या ये पेन हमारे हाथ में आ जाता? नहीं आता। और हमारे हाथों में आज भी दूसरों की गुलामी करते करते, मजदूरी करते करते, ये हाथ ऐसे कैड़े मिलते कि इनमें आज भी टीले पड़ी हुई होती। वो कहते हैं ना, मोटी मोटी टीले हाथों में तुम्हारे जंजीरें होती। लेकिन आज तुम सुख पाकर बाबा साहेब को भूल गए, मातरमा भाई को भूल गए। इसलिए सुधर जाओ, समझ जाओ। बाबा साहेब की जो प्रतिज्ञा सहरा जी ने बोली थी, उसी में आगे की प्रतिज्ञाएं भी हैं कि मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति किसी को भी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। और बाबा साहेब ने आगे कहा है कि मैं बौद्ध धर्म के अनुसार अपने जीवन का यापन करूंगा, मैं पंचशील और तीर्थ शरण का पालन करूंगा। आखिर क्यों बाबा साहेब ने ये प्रतिज्ञाएं लगाई? क्योंकि भगवान बुद्ध के समय में ब्राह्मण लोग भी बुद्धिस्ट बने, लेकिन भगवान बुद्ध के धर्म के पतन के बाद जब भारत से पतन हुआ, तो इन मनुवादियों ने जो ब्राह्मण थे उसका हिंदूकरण कर दिया। लेकिन बाबा साहेब ने ये प्रतिज्ञाएं लगाई कि जो कोई भी बौद्ध धर्म में आता है तो इस गंध को वहीं छोड़कर आना, इस गंध को वहीं छोड़कर आना। इसलिए बाबा साहेब ने ये 22 प्रतिज्ञाएं हमें दिलाई। इसलिए
जरा सुधर जाओ और समझ जाओ। मनोरंजन में इस प्रोग्राम को मत लेना। बहुत सारी बातें तुम्हें हंसने के लिए बताई जाती हैं, लेकिन उनमें भी मैसेज होता है। जो गीत के माध्यम से तुम्हें बताया जाता है उसमें भी बहुत बड़ा मैसेज होता है। और सबसे पहले अपने घरों से देवी देवताओं को बाहर करना। कितने बच्चे करेंगे, जरा हाथ ऊपर करो। और ये बाकी ना करेंगे महिलाएं, क्या लिखा है? कोई नहीं, मैं खत्म ही करने वाली। महिलाएं हाथ ऊपर करें। कितनी महिलाएं देवी देवताओं को घर से बाहर करेंगे, हाथ ऊपर करें। अब ये बताओ भाई, एक बार फिर बताओ, कितनी महिलाएं हाथ ऊपर करें कि जो देवी देवताओं को घर से बाहर करेंगी, हाथ ऊपर करो। अभी जो महिलाओं के हाथ, भाई हाथ नीचे करो, लेकिन जिन महिलाओं के हाथ नीचे रह गए हैं, तो जरा वे महिलाएं ये बता दें कि उनके देवी देवताओं ने कौन से अधिकार दिए हैं, या कौन सा अच्छा गुण उन देवी देवताओं के अंदर है जिसकी पूजा वे कर रही हैं। मानो हिंदुओं के देवी देवताओं को, लेकिन बाबा साहेब ने जो अधिकार दिए हैं उन्हें तुरंत छोड़ दो। कोई भी अधिकार तुम्हें नहीं बनता कि जो अधिकार बाबा साहेब ने तुम्हें दिए हैं उन्हें तुम लो। जब तुम बाबा साहेब की बात मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो कहो कि हम तो हिंदू धर्म में पांचवें नंबर के नीच बनने के लिए तैयार हैं, हम तो हिंदू धर्म में पैर की जूती बनने के लिए तैयार हैं। अगर हमारा पति हमें जुए में हार जाए तो कोई बात नहीं, हम हार जाएंगे। अगर हमारा पति हमें सेटे में हार जाए तो हम हार जाएंगे। अगर हमारा पति हमें रोज दारू पी के पीटे तो हम पीटेंगे। हम अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे। हमें नौकरी भी नहीं चाहिए, हमें आरक्षण भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें बाबा साहेब के अधिकार नहीं चाहिए। तो इसलिए ये बात मानो। और अगर इधर से हाथ उठाओ, बात मेरी खत्म होने जा रही है, इधर से हाथ उठाओ जो बाबा साहेब की बात नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, यानी के सारे मानोगे। अब हाथ खड़े करके दिखाओ, सारे मानोगे, आधे मानोगे। भाई अब महिलाएं इनके लिए तालियां बजाएं। और इसलिए हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि महिलाओं की बुद्धि घुटनों में होती है, क्योंकि देखो वो तो खुश होंगे ही, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ठीक से करती नहीं हो, सोचने का काम तुम करती नहीं हो। जो सोचेंगी वो आगे बढ़ेंगी, वरना तो तुम्हारी बुद्धि ऐसी घुटनों में ही रहेगी और तुम पति के घुटनों में छिपी रहोगी। छिपी रहोगी या नहीं? बाबा साहेब की एक लाइन कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ कि जब बाबा साहेब लंदन में हमारे लिए अधिकार लेने के लिए गए, तो उन्होंने गांधी जी से क्या कहा या दूसरे हिंदू नेताओं से क्या कहा, एक लाइन में जरा इसे सुनना। पूरा करके दिखलाऊंगा। बाबा साहेब का बहुत बड़ा स्वागत किया गया था हमारे समाज के लोगों के द्वारा। जब बाबा साहेब हमारे लिए अधिकार लेने के लिए जा रहे थे, तो लोगों ने कहा कि बाबा साहेब आप हमारे लिए अधिकार जरूर लेके आना, कहीं ऐसा ना हो कि आप वहां अधिकार ना ले सको और हम ऐसे ही रह जाए। तो बाबा साहेब ने जाते जाते अपने समाज को क्या मैसेज दिया वो जरा सुन लो। बाबा साहेब ने जो वहां हजारों से भी ज्यादा लोग थे उन्हें कहा कि पूरा करके दिखलाऊंगा, पूरा करके दिखलाऊंगा, जो बात मेरे वजूद की और सम्मान दलित का ना गिरने दो, बोल सौगंध मां के दूध की, सौगंध मां के दूध की। और बाबा साहेब ने अपनी सौगंध को पूरा किया, किया या नहीं किया? तो तुम कब करोगे? मां की सौगंध केवल बाबा साहेब खाएंगे? आप बाप की खा लो, क्यों? लेकिन ये सौगंध मैंने, सहरा जी ने और अमृत कौर जैसी बहनों ने उठाई है। हमने खाई है ये सौगंध कि हे बाबा साहेब, जो सौगंध आपने खाई इस भारत को बोध में बनाने की, जो सौगंध आपने खाई कि मेरे बच्चों, मेरे कारवां को किसी भी हालत में पीछे मत जाने देना, अगर तुम्हारे में इतनी ताकत नहीं है कि आगे ले जा सको तो किसी भी परिस्थिति में ये पीछे नहीं जाना चाहिए। हमने सौगंध खाई कि बाबा साहेब हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन आपके कारवां को, आपके मिशन को पीछे नहीं जाना।
इस आयोजक टीम का धन्यवाद देती हूँ और महिलाओं का भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये मेरी बातों पर हंसती बहुत है।